सो फ्रेंड, आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है जन्मदिन का केक। जन्मदिन का जो केक होता है, बर्थडे वगैरह में हम केक कट करते हैं, उसे हम इंग्लिश में बर्थडे केक बोलते हैं। बर्थडे केक यानी जन्मदिन का केक। गुब्बारा, गुब्बारा तो हर पार्टी की शान होती है, और गुब्बारे को हम इंग्लिश में बोलते हैं बलून। बलून मतलब कि गुब्बारा। और गुब्बारा फुलाना, जो हम गुब्बारे को फुलाते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लो अप या फिर इन्फ्लेट। ब्लो अप या फिर इन्फ्लेट मतलब कि गुब्बारा फुलाना। जन्मदिन की पार्टी, जन्मदिन की पार्टी जो होती है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी यानी कि जन्मदिन की पार्टी। और बुझाना, केक कट करने से पहले हम कैंडल को बुझाते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लो आउट। ब्लो आउट यानी कि मोमबत्ती बुझाना। गुब्बारा फोड़ना, केक कटिंग के टाइम पे हम गुब्बारे को भी फोड़ते हैं, और गुब्बारा फोड़ने को हम इंग्लिश में बोलेंगे पॉप। पॉप यानी कि गुब्बारा फोड़ना। और जन्मदिवस, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्थडे। बर्थडे यानी कि जन्म दिवस। सो नेक्स्ट वी हैव मोमबत्ती। मोमबत्ती जो होती है इसको हम इंग्लिश में कैंडल बोलते हैं। कैंडल मतलब कि मोमबत्ती। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोमबत्ती जलाना। और मोमबत्ती जलाना जो होता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। लाइट मतलब कि मोमबत्ती जलाना। सो नेक्स्ट वी है केक काटना। केक काटना, बर्थडे पे वगैरह पे हम केक काटते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कट द केक। कट द केक यानी कि केक काटना। जन्मदिन कार्ड, जन्मदिन कार्ड ये लोगों को बर्थडे पर भेजा जाता है, और इनमें उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, इसको हम इंग्लिश में बर्थडे कार्ड बोलते हैं। जन्मदिन की सजावट, जन्मदिन की जो सजावट होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्थडे डेकोरेशन। बर्थडे डेकोरेशन। रंगीन कागज़, रंगीन कागज़ जो होता है इसे डेकोरेशन वगैरह किया जाता है और बहुत अच्छा लगता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फेटी। सो नेक्स्ट वी है जन्मदिन का जश्न। जन्मदिन का जश्न जो होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्थडे सेलिब्रेशंस, यानी कि जन्मदिन का जश्न। नेक्स्ट है उपहार या फिर तोहफा। उपहार या तोहफा जो बर्थडे या फिर एनिवर्सरी वगैरह पे मिलते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट या फिर प्रेजेंट। गिफ्ट या फिर प्रेजेंट। टोपी, इस तरह की टोपी बच्चों लगाते हैं अपने जन्मदिन पर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्टी हैट। पार्टी हैट यानी कि टोपी। जन्मदिन का निमंत्रण, जन्मदिन का निमंत्रण इसके थ्रू लोगों को इनवाइट किया जाता है और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बर्थडे इनविटेशन कार्ड। गुलदस्ता, गुलदस्ता ये हमें मिलता है बर्थडे वगैरह पे और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बुके। बुके यानी कि गुलदस्ता। सो नेक्स्ट वी है भोपू। भोपू जो होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्टी हॉर्न। पार्टी हॉर्न मतलब कि भोंपू, ये पार्टी की शान होती है। जोकर या फिर मस्खरा, जोकर या मस्खरा मेनली बच्चों के लिए होते हैं हंसाने के लिए, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लाउन। क्लाउन यानी कि जोकर या फिर मस्खरा। कपकेक, कपकेक जो होता है उसको हम इंग्लिश में भी कपकेक ही बोलते हैं, और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है कपकेक। कपकेक मतलब कि कपकेक। वापसी उपहार, वापसी उपहार ये जब गेस्ट वगैरह जाते हैं तो उनको रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है, और इसको हम इंग्लिश में रिटर्न गिफ्ट ही बोलते हैं। रिटर्न गिफ्ट यानी कि वापसी उपहार। और चॉकलेट, चॉकलेट तो आई एम श्योर सभी को पता ही होगा, चॉकलेट को हम इंग्लिश में भी चॉकलेट ही बोलते हैं, इसका मतलब होता है चॉकलेट। नेक्स्ट वर्ड है पार्टी का मुखौटा। पार्टी का मुखौटा पार्टी में लगाया जाता है और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्टी मास्क। पार्टी मास्क यानी कि पार्टी का मुखौटा। और आइसक्रीम, आइसक्रीम जो होती है ये बच्चों और बड़ों सभी की फेवरेट होती है, आइसक्रीम को हम इंग्लिश में आइसक्रीम ही बोलते हैं, आइसक्रीम। सो नेक्स्ट वी हैव बिस्कुट। बिस्कुट जो होता है इसको हम इंग्लिश में कुकीज़ बोलते हैं। कुकीज़, कुकीज़ का मतलब होता है बिस्किट। नेक्स्ट वी हैव मक्के की खील। मक्के की खील को हम इंग्लिश में पॉपकॉर्न बोलते हैं। पॉपकॉर्न यानी कि मक्के की खील। नेक्स्ट वी हैव आलू के चिप्स। आलू के चिप्स को हम इंग्लिश में पोटैटो क्रिप्स बोलते हैं। पोटैटो क्रिप्स या फिर पोटैटो चिप्स भी आप बोल सकते हैं, यानी कि आलू के चिप्स। नेक्स्ट वी हैव जन्मदिन पताका। जन्मदिन पताका ये इस तरह पे लगाए जाते हैं बर्थडे वगैरह पे डेकोरेशन के लिए, इसको हम इंग्लिश में बैनर बोलते हैं।
बैनर यानी कि जन्मदिन पताका, और कागज़ की प्लेट जो होती है इसमें खाने के लिए लीड दिया जाता है गेस्ट लोग को, इसको हम इंग्लिश में पेपर प्लेट बोलते हैं। नेक्स्ट है उपहार का आवरण। उपहार का आवरण ये गिफ्ट वगैरह को पैक करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम इंग्लिश में रैपिंग पेपर बोलते हैं। रैपिंग पेपर यानी कि उपहार आवरण। चमकीली लड़ी। चमकीली लड़ी जो होती है ये पार्टी वगैरह में लगाई जाती है, इसको हम इंग्लिश में टिनसेल बोलते हैं। टिनसेल यानी कि चमकीली लड़ी। और पताका। पताका इस तरह के पताका को हम इंग्लिश में स्ट्रीमर बोलते हैं। स्ट्रीमर यानी कि कुछ इस तरह का पताका। सो नेक्स्ट वी हैव कटलरी। कटलरी जो होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिक कटलरी। प्लास्टिक कटलरी यानी कि कटलरी। नेक्स्ट वी हैव पर्दा। पर्दा जो होता है इसको हम इंग्लिश में इस तरह के पर्दे कुछ लगाए जाते हैं डेकोरेशन के लिए, इसको हम इंग्लिश में फॉयल कर्टन बोलते हैं। फॉयल कर्टन यानी कि कुछ इस तरह का पर्दा। और पीने का पदार्थ जो पार्टी वगैरह में दिया जाता है इसको हम इंग्लिश में बेवरेज बोलते हैं। बेवरेज यानी कि पीने का पदार्थ। नेक्स्ट वी है केक काटने का चाकू। केक काटने का जो चाकू होता है उसको हम इंग्लिश में केक नाइफ बोलते हैं। केक नाइफ यानी कि केक काटने का चाकू। नेक्स्ट वी है पेपर नैपकिन। ये तो पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसको हम इंग्लिश में पेपर नैपकिन ही बोलते हैं। और आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है बंटिंग। बंटिंग इसको हम इंग्लिश में बंटिंग ही बोलते हैं। बंटिंग यानी कि बंटिंग। सो फ्रेंड कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह के एक नए और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू।